कौन सा यूट्यूबर है जो कि वीडियो में खूब पैसा उड़ाता है लेकिन वीडियो खत्म होते है ये कपड़े धोने का काम करता है। सौरभ जोशी का ये कौन सा ब्रांड था जिसका प्रमोशन तो खूब हुआ लेकिन ये कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। और ये कौन सा यूट्यूबर है जिसके सिर्फ फोटो लेने के लिए लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पता चलने वाला है। नंबर 1 भुवन बाम, हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के ये सबसे चहेते लोगों में से एक है। 2015 में एक स्मार्टफोन और दुपट्टे से स्टार्ट हुआ चैनल आज ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा है। आज तो एक यूट्यूब क्रिएटर से कई ज्यादा बड़े बन गए। एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ इनका एक खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, बीपी की वाइन्स प्रोडक्शन लिमिटेड। और इन्हीं प्रोडक्शन हाउस से आपको ढिंडोरा और ताजा खबर जैसे कतई मस्त वेब सीरीज देखने को मिले हैं। हालांकि एक कन्वर्सेशन में हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि इनके नेटवर्थ लगभग 122 करोड़ से भी ऊपर है जो कि सच में काफी ज्यादा है। नंबर 2 ट्विगर इंसान, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए इन्होंने IIT से प्लेसमेंट लिए थे लेकिन इंटर्नशिप के प्रोबेशन पीरियड के बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और आज ये एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। इनके कोई ऑफिशियल बिजनेसेस तो नहीं है लेकिन ये पिछले साल प्लेग्राउंड सीजन 2 के जज रहे थे एंड उसमें इनकी टीम जीती भी थी। वैसे इनकी फैमिली में इनके पापा को छोड़कर बाकी सब यूट्यूबर्स हैं, जैसे इनकी मम्मी थी एस डिंपल मलान व्लॉग्स, इनके बहन वांडवा सब और इनके छोटे भाई एस फुकरा इंसान। नंबर 3 रणवीर अलाहाबादिया AKA बियर बाइसेप्स, इनकी जर्नी यूट्यूब पर एक डंबल से स्टार्ट हुई थी, मतलब एज अ फिटनेस कोच से स्टार्ट हुई थी जिसमें स्टार्टिंग में ये फिटनेस हेल्दी लाइफस्टाइल और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड टिप्स शेयर किया करते थे और आज ये डॉक्टर एस जयशंकर जैसे बड़े फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। पॉडकास्ट के साथ 3-3 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के ये फाउंडर भी हैं। 3 स्टार्टअप्स लिटरली, यहाँ तो अच्छे अच्छों का एक स्टार्टअप चलाने के लिए पसीना निकल जाता है। मॉन्क एंटरटेनमेंट, बिग ब्रेन को एंड लेवल इनके 3 स्टार्टअप के नाम है जिनसे इनका एस्टिमेट रेवेन्यू लगभग 50 करोड़ का हो सकता है। नंबर 4 संदीप महेश्वरी, हमारे मोटिवेशन गुरु। हमें जब भी डिप्रेस फील होता है तो हम इनका ही नाम लेते हैं और इनके वीडियोस देखते हैं। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के साथ एक एंटरप्रेन्योर भी है। इनकी इमेज बाजार नाम की एक कंपनी है जिसमें इनका कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल है कि कोई भी फोटोग्राफर अपनी क्लिक की हुई फोटो इस वेबसाइट पर अपलोड करेगा एंड उस फोटोग्राफ के राइट्स लेने का जो भी प्राइस होगा उसमें से कुछ फिक्स कमीशन ये इमेज बाजार वाले रख लेते हैं एंड बाकी का फोटोग्राफर्स को दे देते हैं। और ये सक्सेसफुल बिजनेस है और हो भी क्यों ना, ये दुनिया के सबसे मोटिवेशनल आदमी का जो बिजनेस है। नंबर 5 डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये भी कुछ ऐसे संदीप महेश्वरी जैसे हैं बट फर्क बस इतना है कि ये बिजनेस में आपको मोटिवेट करते हैं। बड़ा बिजनेस के ये CEO एंड फाउंडर है, इनमें ये बिजनेस रिलेटेड कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं और यही इनका मेन बिजनेस है और साइड बिजनेस यूट्यूब है। यहाँ पे मतलब इनके केस में उल्टा है। नंबर 6 सौरभ जोशी, ये आज इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर है। इन्होंने 365 डेज रेगुलरली वीडियो अपलोड की थी। इनके सिंपल व्लॉग्स पैटर्न को देखकर काफी लोगों ने इन्हें सपोर्ट भी किया। व्लॉगिंग करने से पहले इनका आर्ट का चैनल था जिसमें ये अपनी ड्राइंग अपलोड किया करते थे बट रियल सक्सेस इनको व्लॉगिंग से ही मिले। इनका करंट बिजनेस तो कोई नहीं है पर आपने इनकी वीडियोस में देखा होगा ये दिल से करके ऐसे शर्ट्स पहनते थे। बहुत लोगों को लगा कि ये कुछ ब्रांड जैसा रिलीज करने वाले हैं लेकिन जैसे जैसे ये वीडियोस डालते गए ये प्रमोशन कम होता गया और कुछ समय बाद तो ये कम्प्लीटली बंद ही हो गया। पता नहीं ये कौन सा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 7 ध्रुव राठी, ये आजकल सबसे ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स में से एक है। इनको शुरू से ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस बनाना पसंद था बट आजकल ध्रुव की पॉलिटिकल पार्टीज के मामले में वीडियोस बनाने के ऊपर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। एनीवेज इनका मेन रेवेन्यू यूट्यूब वीडियो एडसेंस और स्पॉन्सरशिप से ही आता है और इनकी पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो आप कह सकती हो कि वो व्लॉगिंग भी कर लेते हैं और कई बार थोड़े बहुत इवेंट्स भी अटेंड करते हैं पर इनको आप ये जॉब नहीं इनकी हॉबी जरूर कह सकते हो। नंबर 8 श्रद्धा खापरा, ये है माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी। इन्होंने 400 से ज्यादा क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए थे एंड फिर उन्होंने अपना कॉलेज यूट्यूब चैनल को एक बिजनेस मॉडल में बदल लिया जिसमें ये आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाने के सारे कोर्सेस आपको सिखाती हैं। नंबर 9 एजुकेशन इंडस्ट्री के वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर्स में से एक है अलख पांडे सर। इन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में सच में यार रेवोल्यूशन लाया है। 2016 में एक ट्राइपॉड एंड स्मार्टफोन से इन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। आज 8000 करोड़ का ये रियल बिजनेस बन चुका है। फिजिक्स वाला शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसके नाम को नहीं जानता होगा। JEE एडवांस से लेकर नीट तक एंड UPSC से लेकर SSC तक इन्होंने सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रही है। इनके ऑनलाइन कोर्सेज तो लिटरली मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए शायद बच्चे भी इन्हें भगवान से कम नहीं मानते। नंबर 10 टेक बर्नर, ये यूट्यूब के सबसे टेकी बंदों में से एक है। इन्होंने टेक की कैटेगरी में अपना चैनल सबसे ऊपर किया है एंड आज ये सक्सेसफुल यूट्यूबर है। यूट्यूबर के साथ साथ ये एक एंटरप्रेन्योर भी है। इनके 3 स्टार्टअप्स करंटली है, बर्नर डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, लेस इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड एंड ओवरलेस क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड। लेयर्स मोबाइल एंड लैपटॉप स्किन्स ब्रांड है एंड ओवरलेस एक क्लोथिंग ब्रांड है। नंबर 11 फुकरा इंसान, AKA अभिषेक मल्हार। वैसे तो ये बहुत पहले से यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं बट बिग बॉस में जाने के बाद इनको पूरे इंडिया ने जाना। बिग बॉस की ट्रॉफी तो इन्होंने नहीं जीती बट हमारे दिल को जरूर जीत लिया।
किया। कोई बड़े बिजनेस से तो इनका नाम नहीं है, लेकिन एक और बिजनेस के ये ओनर जरूर है, डिटर्जेंट पाउडर के, और कंपनी का नाम है मिस्टर बॉन्ड नेम 12। यूट्यूब पर अगर सबसे ज्यादा किसी के पास सब्सक्राइबर है तो मिस्टर बीस्ट के हैं, ऑब्वियसली टी सीरीज के बाद, बट फिर भी इनके करंटली 255 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। यूट्यूब के अलावा इनका एक चॉकलेट का भी ब्रांड है, एक अमेरिकन ब्रांड है, जिसमें हमारे जिमी डोनाल्डसन एके मिस्टर बीस्ट ने बनाया। फेस्टिवल्स के साथ साथ इनके और भी ब्रांड्स हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट बर्गर एंड टीम ट्रीज। हालांकि ये एक फंड रेजर कैंपेन है, जिससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्लांट्स लगाने और इनकी देखभाल करने में जाता है। नंबर 13, फिलिक्स अरविद उच केलबर्ग। सुनकर अजीब लग रहा है ना, सोच रहे कि ये कौन सी बोला है। चलो सिंपल करते हैं, ये है स्वीडिश गेमर, ब्लॉगर, कॉमेडियन एंड यूट्यूबर, जिसे हम और आप प्यूडीपाई के नाम से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके करंटली 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। प्यूडीपाई होल्डिंग अब से इनका एक बिजनेस है। 2023 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनका यह बिजनेस 7.5 मिलियन यूएस डॉलर एनुअली जनरेट करता है, यानी करीब 60 करोड़ रुपए। नंबर 14, ईशान शर्मा। अगर आपने कभी फ्रीलांसिंग के बारे में सोचा होगा और यूट्यूब में जस्ट गाइड के लिए ऐसी वीडियोस देखे हैं तो आपको इनके बारे में पता होगा। ये 22 साल का बंदा लिटरली अपनी लाइफ का बेस्ट फेज जी रहा है, ऐसा मैंने ये खुद कहते हैं। शायद आफ्टर ड्रॉप आउट इन्होंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था। ईशान के मेन सोर्स ऑफ इनकम में यूट्यूब के अलावा फ्रीलांसिंग एंड स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, जिनसे इन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, आपने शिनचान में शीरो को देखा होगा, लेकिन हिंडा में ये कौन सा दुकान है जहां आप अपने लिए एक पर्सनल शीरो ले सकते हो। और आपने नोबिता में ये प्लेग्राउंड देखा होगा, जहां नोबिता हर बार कैच छोड़ देता है, लेकिन ये प्लेग्राउंड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और लोग यहां खेलते भी हैं। भाई इस वीडियो को अभी दबाओ, क्योंकि ये पूरा वीडियो बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।